वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू योर व्लॉग। और आज है 8th नवरात्र, मतलब मेरे घर में नवमी, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग बताया कि नवमी मनाई जाती है, तो मेरे आज मेरा फास्ट है, बिकॉज मैं फर्स्ट एंड लास्ट रखती हूँ। तो कल जो होता है वो कंजके वाला दिन होता है, जहाँ पे आप कन्या को खाना खिलाते हैं। तो जो कल वाला डे है वो तो हम मुंबई में, ऐसे मैं कंजके नहीं करवाती हूँ, बट मॉम कर लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पे फास्ट रखते हैं। तो बात आज ये है कि मैंने तो फास्ट रखा ही रखा है, लेकिन मेरे साथ साथ किसी और ने भी फास्ट रखा है। और क्या आप उनकी हालत देखना चाहते हैं, वो उस फास्ट में कैसे हैं? इन्होंने फास्ट रखा है कुछ, अच्छा देखो उसका वो तो खाता रहता है, और इसने भी फास्ट रखा हुआ है, और के मारे ऐसे पड़ी हुई है। तो वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में ये बोला था कि शायद मैं व्लॉग ना शूट करूं, बट मेरा मन किया कि मैं शूट कर ही लेती हूँ। तो बात यह है कि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, रात का जो हम फास्ट जिसे खोलते हैं। किसी ने मुझे लिखा था कि हल्दी नहीं खाते फास्ट में, पर मुझे याद नहीं है, और मैं खा लेती हूँ तो फिर मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अब जो भी हो गया हो गया, मुझे नहीं मालूम, हम तो खा लेते हैं भाई। और ये मेरी बेटी देखो फिर तुम फटाक से यहाँ उठ के आ गई, ये पुंचड़ी 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 बंदी बेटा। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, चलते हैं हमारा फास्टिंग का खाना बनाने। इट्स टाइम टू मेक सम यमी यमी फूड। और पता नहीं कैसे, पहले भी बोला है मैंने कि फास्टिंग वाला खाना पता नहीं बनाया, बहुत अच्छा सा बन जाता है, यम हो जाता है, कहता नहीं कैसे। लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। ये डिलीवरी वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बैठ गई तो बैठ रहा है। ऐसे तो ऐसे करेगा। ये क्या क्यों इतना भुकवा रहा है उसे? बड़ा तो डर लग रहा है। चढ़ जाता है। अरे पिल्ले जैसे नहीं आगे पीछे घूम रहा है। अरे चलो खाना चुकी है प्रिपरेशन खाना बनाने की। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो कढ़ाई चढ़ चुकी है जो सिमरन के काम है। एक्चुअली हम भी सिमरन को मिस कर रहे हैं, क्योंकि सिमरन सिर्फ यही काम करती है, उसको सिर्फ यही आता है, और वो यही करती है कि मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पे, उसके आगे आपको जो बनाना है बना लो, क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं बनाना। और ये चाय बनी है क्योंकि जो हमारे घर में अभी प्राणी जो आए हैं, जो हमारे घर का एक और कुत्ता है, वो जो एक और आया इंसान, हमारे घर में दो कुत्ते हैं, एक व्हाइट कुत्ता है एक काला कुत्ता। तो यार रेसिज्म नहीं हो रही, पर मैं आपको वैसे डेफिनेशन दे रही हूँ उस चीज का, कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। माय दोस्त ऐसी है, तो जो आया है उसके लिए चाय बन रही है, वो चाय का इतना बड़ा फैन है कि उसको बस पूरा दिन कुछ मर्द और चाय पिलाते रहो तो वो सरवाइव कर जाएगा। कैसे सही गई दिन में 30-40 चाय पीने वाला है? मैं वही तो बोला, दिन में कुछ मर्द दो चाय दे दो सरवाइव कर जाएगा। तो बट एनी वेज हमारा है फास्ट और हम बना रहे खाना। तो आटा हो चुका है रेडी, सब्जियां कट चुकी हैं, बस अब सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, मैंने पूजा करके खाएंगे आराम से। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ, मिलेंगे बनाने के बाद। सुबह हो गए, 10 बज गए ऑलरेडी, और भूख लगी
हमारा बेटा टीवी देख रहा है, अपने आप को देख रहा है, सिर्फ अपने आप को देखता है। ये भी सेल्फ ऑब्जर्व्ड है मेरे जैसा। खुद आएगा टीवी में तो देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। ये छोटी बैठी है, ये छोटी बैठी है, ये छोटा बेटा, ये फेमस हो गया ये लड़का हमारा। फास्ट रखने का मेरे साथ ऐसे यही होता है कि मेरे हो जाता है हेडेक। तो अभी मेरे को कुछ और शूट करने का मन ही नहीं है, मतलब कुछ भी हम करने का मन नहीं है मेरे को। आज नानू बोल रही थी बाहर जाने के लिए, बट बाहर भी जाने का मेरा मन नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं और लेट भी हो रहा है। अब तो 9 भी बज गए, 9:30 बज रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, पता है मेरे को ऐसा लग रहा है खाली पेट शायद मेरे को ना एसिडिटी हो जाती है या फिर गैस बन जाती है, मेरे को इनो पीनी पड़ेगी। बट उससे पहले यहाँ चल रही है प्रेस, कपड़े हो रहे हैं कल के लिए, ऑफिस के लिए प्रेस। और ये क्या है ये नानू बताएगी। नानू बताओ ये क्या है बेटा? चड्डी आए हैं बहुत पहले से आ रखे हैं। बात ये हो गई कि इनका शूट ही नहीं हुआ, और शूट भी कुछ नहीं इनका ना, एक्चुअली सिर्फ एक स्टोरी डालना था मेरे को। फाजल कितने किया ये घड़ी देख रही है मेरे लिए। तो घड़ी भी क्यों देख रही है वो भी बता देती हूँ। हम मेरी जो एक ऑफिशियल वॉच थी, मतलब पहले काफ़ी टाइम से ख़राब है, कल अब जो मतलब मैंने कल पहनी थी शायद, वो ऐसे पहन ली थी मैंने, बट तुमने कल घड़ी पहनी हुई थी। तो गाइस बात यह है कि वो मतलब कभी कभी होता है ना कि ऐसे स्टील वाली जो कलर वाली वॉच जो होती है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के अटायर के साथ जाती है। तो अभी मुझे कल ही याद आया कि वो तो बंद पड़ी थी, तो मैं नानू को बोला कि यार मुझे घड़ी चाहिए ऐसी वाली, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ कपड़ों के साथ कुछ अटायर के साथ वैसी ही वॉच जाती है, और स्पेशली जब आप ऑफिशियल में होते हो या फिर कल जैसे मैंने ना पूरा स्टील मतलब वो ऑक्सीडाइज वाला सब कुछ लिया होता है, ऑक्सीडाइज अगर मैं गोल्ड पहन लेती या ब्लैक कुछ बेल्ट पहन लेती तो जाती ही नहीं उसके साथ। तो अब मैं नानू को इसलिए बोला कि मुझे घड़ी चाहिए, तो घड़ी फटाक से तुरंत देखने लग गई। देखो 2 मिनट नहीं लगा दी पैसे उड़ाने के लिए, सोचने के लिए देख तो रहता है मंगा लेंगे, और मैं इसको बोलूँगी रहने दे फिर ही मंगा लेती है, फिर वो आ जाता है। क्यों दीदी आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो तुमने मंगाई नहीं पैनकेक? क्यों 600 रुपए के पैनकेक आते हैं क्या? कोई डब्बा आ जाएगा 600 रुपए का, घर में बना लेंगे। तो मेंबरशिप भी तो खत्म हो गई ना, वो भी तो ऐड हो रही है, तो वो तो करनी पड़ेगी ना भाई। गाइस जो ये हमारी मैडम नानू मैडम जोमैटो की गोल्ड मेंबर हैं, तो इनको गोल्ड मेंबर का ये फायदा है कि चीजें ना फ्री डिलीवरी में मिलती हैं, तो वो मेंबरशिप इसकी ख़त्म हो गई है, तो उसके 300 रुपये ही देने हैं, तो उसका पैसा हो रहा है और खाने के 300, तो 600 रुपये हो गए ना। चल देखो इसके 600 रुपये वाली। खैर बैक टू नॉर्मल। मैं क्या बता रही थी कि मेरे पास नहीं चड्डी आई हुई काफ़ी टाइम से, 1.5 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए? नहीं 1.5 महीना और ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना हो चुका है ये चड्डियों का शूट, मतलब पहन के शूट नहीं करना है, नो नेवर। तो ये वाला जो शूट है मतलब ये इसका स्टोरी डाला था बस ऐसी बना के कि आप इस ब्रांड से है और ऐसा सा, पर मैं कल डाल ही दूंगी अब जैसा भी बना है। तो एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रहा था कि इन चड्डियों का शूट कैसे किया जाए, क्योंकि ये बड़ी ना ऐसे फैंटी। ओके नाउ लेट्स बी नॉर्मल वुमन चड्डी, आपको मजाक के लिए बोल रही बट आई यूजुअली से पैंटीज। तो दीज पैंटीज आई थी मेरे को एला लेडन, क्या नाम है इनका, एला लेडन ये नाम है, देखो यहाँ लिख जाएगा। वैसे आप मैं स्टोरी पे देख सकते हो, तो ये बहुत टाइम से आई हुई थी, अब फाइनल जाके आज वो शूट हुआ है। शूट भी नहीं शूट हो रखा था, बट हमें ना समझ नहीं आता, हमें खुद को पसंद नहीं आ रही थी कि शूट कैसा किया है, क्योंकि स्टोरी डालनी है बट स्टिल क्योंकि पैंटीज हैं शूट वीडियो मतलब स्टोरी पे दिखाना है और अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि पैंटीज का शूट है, अजीब सा नहीं लगना चाहिए। अगर आपने शायद देखा होगा मेरी प्रोफाइल पे एक पैंटी का शूट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट जो ऑफकोर्स मैं पैंटी शूट कभी पहन के नहीं करती, वो सब ऐसे पिक्चर्स क्लिक किया है, तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो ये भी हमें लगा कि तो अच्छा हो जाएगा, बट ये हुआ नहीं, तो स्टोरीज पे जैसा भी है वैसा डाल देंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका और ऐसा रेयर चांसेस होते हैं जब इतना टाइम हो जाता है हमें किसी शूट को ना डाले हुए, और ये उनमें से एक दो जो शूट हमारे पेंडिंग रह गए, मतलब आज तक शायद 2 या 3 शूट हुए हैं ना ऐसे जो पेंडिंग रह गए हमारे इतने लंबे टाइम तक। और जो भले मानो जिन्होंने ये भेजा है
उन्होंने एक क्वेश्चन तक नहीं किया है दोबारा, तो मुझे बुरा लगता है यार ऐसे। तो मैंने कहा अब तो डाल ही देती हूँ, कोई बात नहीं, जैसा भी है डाल देते हैं। तो प्रोसेस में ये चल रहा है, ये चल रहा है, और साथ में प्रेस चल रही है, और हमारे झोलों को मेरे ख्याल से ना नज़र लग गई है, तो ये ऐसा लेटा हुआ है, और ये हमारे नानू मेरे वहाँ बैठी हैं, और मैंने वहाँ पे अपना इवियोस का नाम लगा दिया है। मैं कहूँ तुम बीच में खड़ी हो ना इवी के साथ Look at this face, cutie face. ऐसे ऐसे देख रही है। मैं कहूँ नानू कहाँ गया? कहाँ है नानू? मुझे नहीं मालूम वो लकड़ी वाला नानू कहाँ है, मुझे कैसे पता? ये तो मैंने यहाँ लगा रखे थे, तो मैंने कहा था कहाँ गया, मेरे को नहीं मालूम तुम्हारा नानू कहाँ है। देखो ये मैंने अपने ईवी और ऑस्कर अपने अलमीरा पे यहाँ पे बाहर लगाए थे, तो नानू भी तो मेरी इसने अलमारी पे लगा था। इसने अपना नानू कहाँ लगाया मुझे नहीं मालूम, तो जो नानू रह गया तो वो वहाँ बीच में नानू है ऑलरेडी, है ना भाई, है ना भाई, है ना चुन्नी पुन्नी, है ना चुन्नी पुन्नी। गाइस एक लाइन बोली जाए, ये लुक दे रही है अपना, दिखा रही है नए हेयर कट कैसा लग रहा है। तो दो दिन से तो देख रहा सेम ही तो हेयर कट है, दो दिन से कमेंट नहीं करा तुम्हारे लिए, पर मैंने थोड़ी बोला कि बताओ मेरे हेयर कट कैसा लग रहा है, की हेयर कट हुआ कि नहीं, क्या ही फर्क पड़ जाता है, हमेशा का ही तो काम है, फर्क पड़ रहा भाई, फर्क पड़ रहा, हां नहीं फर्क पड़ता। यहां पे लोगों के बकवास कमेंट पढ़ के ऐसे मन नहीं करता आगे कुछ बोलने का, ये बोलने वाला नहीं थी वैसे, पर ठीक है तुमने बोल दी, तो अजीब गड़ी कमेंट आता है तो इससे तो मुझे कमेंट पढ़ने का मन नहीं करता अभी, तो मैंने रिसेंटली पढ़ना भी बंद कर दिया। मैं पढ़ लेती हूँ गाइस, आप लिख दिया करो कोई बात नहीं। ओके, तो जैसे कहते हैं इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। ओह माय गॉड, तो ये है ईवी नानू ऑस्कर इनो। हमने आप आरे जब हम लोग मिले भी नहीं थे, जब ऑस्कर पैदा भी नहीं हुआ था, शायद हम भी पैदा नहीं हुए, तब से इनो चलता आ रहा है, आई गेस सो, आई डोंट नो। यस, तो देखो हमारा इन्वेंशन, हमारा ब्रांड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है इनो नाम से, बिल्कुल इसका कॉपीराइट सिर्फ हमारे पास है। हाँ, मेरे को जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गैस जैसा हो रहा है, मतलब अजीब सा जल भी रहा है मेरे पास। पेप्सी पी लेती फिर अच्छा लगता, पेप्सी पी ले नींबू निचोड़ गए, पेप्सी पिलाएगी बस, ये मैं पिला रखी, मैंने कहा था कि पेप्सी आई इस घर में तो मैं फेंक दूंगी, रखी है फ्रिज में, नहीं कि नहीं ढक्कन भी नहीं खुला है, मैं सोच रही हूँ फेंक ही दूँ, कब बोल लो तुम, पेप्सी की याद दिला दी, अब नानू कह रही ओह शिट यार गलत याद दिला दिया मैंने। या तुमने पानी ज्यादा डाल दिया है, बहुत डाल दिया, दो ट्विस्ट पानी से ज्यादा मैं प्यास कर देती, तो मैंने सोचा प्यार में क्या डाल क्यों नहीं ऐसे पी लेती हूँ मिक्स करके। इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। वाओ, बब आ गई मुझे पीते ही, बब 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 गाइस, मेरा इनो वाला चेहरा, वाओ ये इनका इनो वाला चेहरा है, ये था बाय द वे, ये तो मेरी पहाड़ी बच्ची वाला चेहरा है, और ये जो बब आई थी पहले जब तो ड्रामा करा मैंने, वो मेरा इनो वाला चेहरा था। अच्छा, अब क्या करेंगे गाइस, इसको बताओ कुछ, हम जा रहे हैं, वैसे किसी को ये रिंग की कहानी जाननी थी, मतलब आए थे कमेंट्स लोगों के, क्या है इसकी कहानी बता दूँ, मेरी जुबानी बता दूँ, इस पर तो एक अलग वीडियो बन सकती है, तो पूरी वीडियो ही बना लेना इसकी। नहीं ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, पहली डायमंड रिंग है गाइस ये। तो ये वीडियो आपको कब बना देंगे, रिसेंटली मिलेगी, रिसेंटली नहीं जो बनाई कब है, रिसेंट मिलेगी, हाँ रिसेंटली, मेरे को रिसेंटली बोल दो। ओके, तो ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो मे बी इस वीक मिल जाए, और ये भी बता दो कि यार बहुत दिन हो गए लाइव नहीं आया हम यूट्यूब पे, मेरे को यूट्यूब पे आज ही मैं सोच रही थी कि परसों चलते, परसों छुट्टी है ना, परसों आएंगे दशहरा मनाएंगे, परसों आएंगे दशहरा मनाएंगे, रावण यहाँ तो भुगते है नहीं, भुगते हैं, हाँ भुगते हैं, भुगते हैं, यहाँ तो रामनवमी वो रामलीला भी हो रही है, हाँ होती है कैसे, को दिल्ली में तो
दिल्ली में तो रावण भी फूकता है, रामलीला भी होती है, हर गली में हर जगह हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड जगह है, मतलब जो चीजें ज्यादा होती है वो है गरबा खेलना, गरबा डांडिया चलता है, जैसे मैंने कल रास्ते में भी हमें दिख गया था, कल गरबा में दिखाया। और यहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल भी उतने ज्यादा नहीं है जितना गरबा खेला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात ही बहुत है, गुजरात मारवाड़ी भी खेलते हैं ना, सारे खेलते हैं, मतलब अब तो ट्रेंड सा भी ट्रेंड बना रखा है, सारे खेलते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे वैसे रावण रावण नहीं फूकता है, सब दशहरा पे देखने जाते थे, मेले लगे होते थे, रावण को फूको, इतना लंबे लंबे रावण होते थे, ओहो पुरानी फोटो है मेरे पास, एक वो डाल दूंगी मैं स्टोरी पे, आप देख मेरे को दिन दिखाई तुमने बहुत, तूने तो क्लिक करी थी जब दिल्ली में थे हम। अच्छा वो जो रावण का मुंह जो रखा हुआ है, ओहो मुझे लगा तू बोल रही है कोई पुरानी फोटो है जो रावण वाली, मैंने नहीं देखी, उतनी पुरानी कोई फोटो नहीं है, तो पापा के साथ जाते थे हम लोग, मतलब मैं तभी तो सोचा उतने छोटे में तो हमारी भी कोई फोटो नहीं है, फोटो कहाँ से आ गई, वो तो मेले वाली फोटो खींचती थी, कुआ और पता नहीं कौन कौन से झूले होते थे भाई। और एक बात तो मेरे को ना इतने बलून पसंद आते थे उस टाइम पे भी, कि वो बलून के अंदर बलून होते हैं, या फिर कोई टॉय पसंद है, मेरे पापा मुझे एक चीज नहीं दिलाते थे, मेरे को एप्पल वाला बलून बहुत पसंद होता टक 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 मारने वाला, गली में मिल जाता था तभी नहीं, वो बड़े वाले बलून नहीं होते जो 5 रुपए वाला बड़ा वाला, फिर उसके अंदर एक और बलून होता है, फिर उसके अंदर एक और बलून होता है, वो तो बहुत ही महंगे देते थे उन लोग, इसलिए मम्मी कभी नहीं दिलाई, इसलिए कभी नहीं, उस टाइम 20 रुपए भी ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा होते थे, एक्चुअली हमारे घर वाले ने बहुत मेहनत करके ये लेवल पे लाए, बिल्कुल, तो उनको पता है वो 10-20 रुपए की कीमत क्या, वो आज भी हमें यही चीज बोलते हैं एक्चुअली जो हमारे पेरेंट्स ने बाबा रे मुझे इसके एक्चुअली जो हमारे पेरेंट्स ने किया है ना वो तो वो हम कभी नहीं कर सकते। और कुछ चीजें मेरे अंदर तो है भाई, मेरे डैड की कुछ चीजें, कुछ मेरी चीजें मेरी मॉम की हैं, कि मुझे काम कर रहा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कर लो यार, क्यों बैठे रहना है, नहीं ऐसा मेरे अंदर, बिल्कुल मैंने मना कब किया, तुम बता दो फिर अपना भी कुछ, मैं तो अपने पापा पे गया हूँ, ये पूरी पापा पे सब्जी काटती है वैसे, और शक्ल भी इसकी पापा की भी जैसी है, पूरे नेचर पापा का है, फुल नेचर मेरे पापा ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, कैसे पता तुम्हें, मम्मी ने बताया, मेरे को कहाँ से इतना पता होगा, मम्मी ने बताया, नेचर वाइज हरकतों वाइज, वीडियो में आगे बोल दो भाई, कोई बात नहीं, नहीं पीछे से क्यों बोल रहे हो तुम, नहीं उनको पता है मेरी आवाज है, तो फिर वीडियो में नहीं आओगे तुम, आज के बाद अच्छे नानू की आवाज दिखेगी गाइस आपको, नानू आवाज दिखेगी कैसे, ऐसे जैसे मैं दिख रही हूँ, आवाज दिखेगी बस, आवाज चेहरा नहीं दिखेगा, इसको शर्म आ रही है आने में ब्लॉग में, ब्लॉग में आई शर्म, नानू आज के बाद नहीं दिखेगी ब्लॉग में, ऐसी करेगी तो ऐसे कैसे आएगी, आवाज दे रही है बस, मैं थोड़ी ना बैठ रहूंगी यहाँ पे, बिल्कुल बदतमीज लड़की आई है, अच्छा कल दो बच्चे बदतमीज थे आज सिर्फ मैं बदतमीज हो गई, और मैं क्या कह रही थी, हाँ और किसी ने ये बोला है कि हम लोग कैसे मिले, हमारी कहानी जानने किसी को, तो गाइस इस पे हम ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुके हैं, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कि एक साल तो हो गया है उस वीडियो को बनाया हुआ, तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा कि हम हाउ वी मेट करके हमने वीडियो बनाया अपना, एक उनमें पूरी कहानी है हमारी, तो आपको मिल जाएगा। और मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम ये वाला व्लॉग कर देते हैं एंड, क्योंकि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, और जैसा कि इनो भी पीना पड़ गया मुझे, तो मेरे को थोड़ा सा जल भी रहा है यहाँ पे, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ सोने, मिलेंगे आपसे कल, कल के ब्लॉग में, मे बी कल का ब्लॉग वीडियो हो और मे बी वो ब्लॉग भी हो सकता है, तो जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। तो गाइस इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, आपको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सब के लिंक, टू रास गिच गिच गो से आई लव यू, टिंग।